मैं सुनील कुमार आरपीडी न्यूज चैनल के द्वारा और आज हम पहुंचे हैं विशेष रूप से खास मुलाकात करने पहुंचे हैं बरण गांव के नव निर्वाचित सरपंच भूरा राम जी नाइक। सरपंच साहब पहले मैं आपको अनुरोधित बोल रहा हूं। नमस्कार सरपंच साहब, दूसरा ऐसे मुद्दे तो काफी होते हैं ग्राम पंचायत के प्रति, तो शिक्षा के क्षेत्र में सर पहले का स्तर कैसा और आप इसके ऊपर क्या भूमिका या प्राथमिकता रखते हो? शिक्षा पर भूमिका महत्व रखेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लड़कियों को बहुत पढ़ाने की प्रयास करेंगे। शिक्षा के बिना अंधकार है, उनको जनता को ज्यादा से ज्यादा से जागरूक और माता पिता को शिक्षा के बारे में बताएंगे और लोगों को आगे जागरूक करेंगे। कोरोना चल रहा है सर, कोरोना महामारी पूरे वर्ल्ड के अंदर दस्तक दे दी है, तो काफी जगह पर अपने भारत के अंदर भी काफी भयंकर भूचाल आ रहा है सर इसके अंदर, तो कोरोना के बारे में सोशल डिस्टेंसिंग के किस आप नियम करवा रहे हो और जो क्वारंटीन लोग किए हैं उनको किस हिसाब से आप गाइड कर रहे हो और प्रशासन ने आपका क्या साथ दिया और आप किस हिसाब यहाँ पे आपके मरीज है उसके बारे में थोड़ा अवगत कराए सर प्रशासन को? इसमें कोरोना महामारी के बारे में हमारे ग्राम पंचायत स्तर में सभी स्वस्थ भी और जो भी सरकार के द्वारा निर्देश है उनका हमने पालन किया और लोगों को पालन करवाया और आगे भी हर व्यक्ति को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। जो भी हमारे यहाँ काउंटर काउंटर रखा गया उनकी देखभाल अच्छी तरह से की, जो भी सरकार से सहायता प्लस हमारे जो भी हमारे से जो भी सहायता थी वो सब लोगों के लिए प्रयास किया। प्रशासन ने आपका इसके अंदर क्या गाइड किया है? प्रशासन तो ये गाइड किया कि अपने ग्राम पंचायत स्तरों पर जो भी है मेंटेनेंस रखो और सब वो अच्छी तरह से रखो। दूसरा है जो नशा है सर, तो नशा सर इंसान का नाश करता है सर, तो नशे का किस साल की प्रवृत्ति है आपके यहाँ पे और आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी या कड़े कदम क्या रहेंगे आपके? नशे की ये प्रवृत्ति है कि जो भी लोग नशे से प्रवृत्ति है उनका परिवार दिनों दिन गरीब होता जा रहा है, उनको ये कहना पड़ेगा कि नशे से दूर रहो तो अपने बच्चे को आगे लिए और उनकी भविष्य भी अच्छा रहेगा। तो सर मतलब दूसरा आपके यानी कि जो पेयजल की व्यवस्था है या पानी की निकासी है या बिजली की समस्या है या पानी की समस्या है सर, किस साल की यहाँ पे समस्या और आप क्या कहना चाहते हो उसके संबंध में, आप क्या बोलना चाहते हो? ये हमारे दिए थे गांव में एक तालाब भी है, उन पर वो सब पर निर्भर रहते हैं, फिर जो भी समय होती है नहर का पानी आता है ये गवर्नमेंट द्वारा सुविधा है पानी की और हमारे गांव का जो भी ग्रामवासियों मिलकर एक तालाब होता है उनको अच्छी तरह देखभाल रखते हैं और जो भी बरसात मौसम उनका पानी को इकट्ठा रखते हैं फिर गाँव को उसको पीने के लिए काम लिया जाता है। तो सर प्रसाद दूसरा है जो सर यहाँ पे आपके जो किसान है सर, किसान की किस साफ प्रवृत्ति है और किस साफ उनको अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, उनको किस साफ की समस्याएं आ रही है उसके बारे में अवगत कराएं सर यहाँ के आपके जो माहौल है। किसान एक बहुत ही समस्या रहती है जो हमारे यहाँ तो ग्राम पंचायत स्तर हमारे घर में केवल बरसात पर नहीं रहते हैं, नल जो ट्यूबवेल है होती वहाँ नहीं होती है, केवल बरसात पर नहीं रहते हैं, जैसे बारह महीने में जैसे पाँच चार पाँच महीने की खेती होती है उन पर गुजारा करते हैं और निजी कार्य जो भी होता है प्रयास करते हैं। सरपंच साहब ने बोला है कि जो मेरे सरपंच जी की देन है वो मैं जनता को देना चाहता हूं, तो सारी जनता को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं सुनील कुमार आरपीडी न्यूज चैनल में सरपंच साहब 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।